नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ देश के युवाओं के बारे में। हमारे देश का जो युवा है आज वो कहाँ जा रहा है, जब इस देश में आधुनिक शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा है, जिसे आप इंग्लिश एजुकेशन बोलते हो, जब ये नहीं था तब भारत में झांसी की रानी हुआ करती थी, तब इस देश में मंगल पांडे हुआ करते थे, तब इस देश में सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। लेकिन झांसी की रानी का सफर आज इंग्लिश एजुकेशन ने मुन्नी बदनाम हुई तक लाके छोड़ दिया है, और मंगल पांडे और भगत सिंह वाला जो सोच थी उसको इंग्लिश एजुकेशन ने आधुनिकता के नाम पर ड्रग्स के मुहाने पर लाकर ढकेल दिया है। आज देश का युवा क्या कर रहा है कि वो सपने देख रहा है, घूम रहा है, मोहल्ले में जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख रहा है। आप किसी से पूछो कि उसको क्या करना है तो बोलता है, मुझे देश से कोई मतलब नहीं है, मुझे धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या करना है? पैसा कमाना है और उस पैसे का इस्तेमाल ड्रग्स में करना है। और आजकल यही कहानी घर परिवार में भी सीमित हो गई है कि आप देखिए, जब शादियों का माहौल होता है तो लोग क्या करते हैं कि पहले एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई शाहरुख खान बनता है, कोई अमिताभ बच्चन बनता है, तो कोई जया प्रदा बनता है, तो कोई कुछ और बनता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से करेक्टर चुन लेते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि लोग उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कौन खुश है और कौन दुखी है, क्योंकि यही जो हालत है वो मन ही मन कभी खुशी और कभी गम का संदर्भ ला रही है। लोग कभी खुशी और कभी गम में नाचे जा रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। समाज ऐसा हो गया है कि नाच में कभी खुशी कभी गम, और पूरा परिवार नाचे छन छना छन छमा छम, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इस सीरियल ने, मूवी ने, बॉलीवुड ने लोगों को एक अच्छे खासे समाज की जगह नचनिया बना करके छोड़ दिया है। यानी कि जो समाज था भारतीयों का, शिक्षा का था, सभ्यता का था, संस्कारों का था, आज आप नचनिए के ऊपर आकर के टिक गए हो, आज आप ड्रग्स पर आकर के रुक गए हो, आज आप सिर्फ और सिर्फ बंदर जैसी हरकतें करने के अलावा और आपके पास कोई चारा नहीं बचा है। यही योगदान हमारे बॉलीवुड का है, और यही योगदान जो है हमारे वेस्टर्न कल्चर का है। आपने ये देख लिया कि टेलीविजन में कोई पानी पी रहा है तो आपने उसको ब्रांड बना दिया, क्या वो पानी आपके पेट में गया? आप देख रहे हो कि कोई नाच रहा है फटी जींस पहन करके तो आपने भी अपने कपड़े फाड़ लिया, क्या आपको उसके इतना पैसा मिला? नहीं। लेकिन क्या बात है कि आपको आधुनिक बनना है, आपको बॉलीवुड जैसा बनना है, आपको सीरियल जैसा दिखना है, इसीलिए आप उन नचनियों का, उन बहरूपियों की नकल कर रहे हो। चाहे वो उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बदले उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तुम तो अपने जो शरीर पे कपड़े हैं उसको भी फाड़ कर फेंक दे रहे हो और अपने आप को नंगा करके आधुनिकता का ज्ञान दे रहे हो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।